पियो पापा, पी लो जल्दी पी लो। हाँ पी लो, नहीं मैं पिलाऊंगा तू भगरा देगी। पी लो पी लो पी लो। ले भाई जा, एक गिलास पानी में एक गोली खानो पूरी। रुक जा मैं दे रहा। थोड़ी मैं जा रहा है। हाँ टाटा जा रहा मैं। अब टाटा पहले कर ले, राधे राधे नहीं करेगा। चलो भाई देखो जो टाटा कर रही, भाभी जा रही संग जी। भाई मैं चल रही आगे, गाड़ी बैठवा मत। देखो नहीं जा रही, मैं पकड़ लूंगा। भागई भागई नहीं बैठा दे हम गाड़ी पे। इधर जा ओ गुड़िया, तो नहीं ले जा रहा बिन्ना में। ए गुड़िया कहाँ चली? देखो सुन के नहीं चल रही, टाटा कर ला और चली गाड़ी बैठवा का। देखो कितनी मजाक से जा रही छोरी। कहा है गाड़ी पे नहीं बिठाने वाला आज मैं, हम नहीं बिठाने गाड़ी पे। चलो हटो हटो, गाड़ी पे नहीं बिठान रहा बिल्कुल भी तेरे का। अब हट जाओ जल्दी गुड़िया। हाँ मैं नहीं बिठानू, नहीं बिठान रहा गाड़ी पे बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं बिठानू, बिल्कुल नहीं बिठानू। गिर जाएगी गाड़ी। अरे यार गाड़ी गिर जाएगी। मैंने जो झोलो दे दे एक। हाँ देख एक अच्छे झोलो वो पेटी में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कान्हा जी, कृपा बनाए रखना प्रभु जी। पन्नी में रख दे जब फाइल है नहीं, बता दूंगा डॉक्टर ने कहा, और गोली बदल के दे दे। का कह दूंगो? आंगनबाड़ी जाके नहीं, वो इंजेक्शन लगवा लेना है, आंगनबाड़ी में लग जाओ। हाँ अभी कर चल जाओ है, अब मैं दानी कर दे नहीं। चलो जा रहा मैं, बिस्कुट भी ला दूंगा। ठीक है खाना खा लेना है, रोटी खा लेगी। ठीक है राधे राधे। कीचड़ बहुत है, गाड़ी बड़ी धीरे धीरे जाएगी, जल्दी चल रहा भेनाज में। लाइट पता नहीं कहा हो रहा, अब तो देखो आएगी तो भले न पानी, बगैर लाइट के पानी में नहीं भरा आप तो। जा रहा बहना, टाटा कर रही हो, ऐसे ऐसे टाटा होता है। देखो गुड़िया कितनी सारी ऊपर, देखो भी देख सारस जा रही, देखो कितनी सारी भी, देखो भी आसमान में भी देखो गुड़िया, देखा बहना देख वे, देखो भी जा रही वे, देखो कितनी सारी सारस वे, जी देखो जे जे देख लई देख गई बे जा रही वे, देखो भी नरोदय। बाबा जी आप नरोदय मैया की परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं हम। कितने दिन हो गए बाबा जी? हमें 7 महीने हो गए चलते चलते। 7 महीने हो गए चलते चलते। तो बाबा जी बिल्कुल नंगे पैर चलते आप? हाँ। आपका गुरु स्थान? हमारा गुरु स्थान चित्रकूट है। चित्रकूट के रहने हाँ। वाले चित्रकूट है, पर वृंदावन में हम बैठते हैं जी। गुरु जी और हमारे गुरु भाई सब ये सब वृंदावन में ही बैठते हैं। वृंदावन में? वृंदावन में कहाँ है आश्रम आप लोगों का? वृंदावन में आप ये बलराम बाबा आश्रम अनुद आचार्य के बगल में जी। तो बाबा जी आप चित्रकूट में वृंदावन में रहते हैं लेकिन नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? अब ऐसे ही है, ये मैया बुलावा आ गया जी वृंदावन में। हमने बहुत मैया के बारे में बहुत सुना था जी, मैया की परिक्रमा लगती है जी। और सच्चे दिल से परिक्रमा लगाओ तो मैया बहुत कुछ देती है जी। पर हमने मैया से कुछ भी नहीं मांगा, जो मैया की इच्छा है वो मैया देगी हमें जी। तो बाबा जी नर्मदा मैया का महत्तम के बारे में बताइए, आपको इधर कैसा लग रहा है, कैसी सेवा हो रही है? हमारी अच्छी सेवा हुई, बहुत अच्छी सेवा हुई और हर रास्ते सेवा हुई, पर नेका तो कठिनाइयाँ आती है जी। किसी चीज़ को आप परिक्रमा लगाओगे तो सेवा करोगे, नेका तो दुख झेलने पड़ते हैं जी। पर हमने ये देखा नर्मदा मैया हमारे साथ साथ में, सब जगह साथ साथ में चलती है जी, हर बात सुनती है। जैसी हमारी मन की भावना होगी वो मन की भावना मैया पूरी कर देगी जी। हर जगह हमें मैया एहसास दिलाती है, मैं तुम्हारे संगवारी बच्चों, अपने बच्चों को और अपने बच्चा समझ कर वो संगवा चलाती है मैया जी। ये हमने एहसास करा, ये हमने अनुभव करा जी। तो हर जगह मैया वो हमने पाया जी। बाबा जी एक बात और बताइए कि नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है हाँ, अगर किसी के पास पैसा ना हो, कुछ भी सामान ना हो तो वो ये परिक्रमा कर सकता है इसलिए? किसी के पास जो संकल्प और जो मतलब बोलते हैं एक देसी कहावत है, हथियार नहीं जीतते हैं हौसला जीतता है जी। तो मन में एक हौसला होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, उस चीज़ को निभाने की सब पूरा हो जाता है, सब मैया दे देती है जी।
आप उस लगन पे चलोगे, अगर मैया आपके पास कोई कमी है तो आप मैया से मांगोगे तो मैया दे देगी जी, किसी ना किसी को ऐसा भेज देगी, वो खुद ही दे जाएगा सामान, अपने आप ही व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, अपने आप ही व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है किसी के पास सामान नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो तो वो कम नहीं लगा सकता है, सब लगा सकता है। हमारे पास भी व्यवस्था नहीं थी, हम खाली हाथ आए थे जी, कुछ भी नहीं लाए थे, खाली हाथ नहीं लाए थे, झोली वोली, हम खाली हाथ आए थे, ओला दिया हमें, सब व्यवस्था मिलती है। तो बाबा जी ये बताइए एक बात और, कि 7 महीने आपको परिक्रमा करते हुए वो भी नंगे पैर, हाँ, इस बीच में कोई ऐसा दिन आया कि आप भूखा सोना पड़ो आपको है, बिना भोजन का, बिना भोजन। अब ये माई बगिया जब हम अमरकंड जाते हैं, चाहे परिक्रमा कहीं भी उठाओ, जब हम अमरकंड जाते हैं तो माई बगिया 200 किलोमीटर जो फासला होता है मंडला डिंडोई एले ए, वहाँ पे कोई कोई ऐसी जगह होती है यहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वहाँ पे खेत खलियान कुछ भी नहीं है, चावल की खेती होती है, तो चावल मिलते हैं खाने लगाए, भूखे पेटों में वहीं पे अभी नहीं रहते, माई वहाँ पे भी देती है, बस चावल वगैरह मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप जहाँ रहते हैं उस स्थान की भी थोड़ी महिमा बता दीजिए। वृंदावन जी, वृंदावन ये वो महिमा है महाराज जी, माँ पे आप जाओगे जी तो राधे में वो जाओगे जी, राधे 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 से। हाँ, वृंदावन मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज के साथ में होया हूँ, मेरे गुरुदेव है बादामगिरी जी महाराज, तो उनके साथ रहा हूँ, परिक्रमा करी वृंदावन की मैंने, और आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे गो आश्रम सातधारा, बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है, वहाँ पर आप रुकिएगा। आप चतुर्मास काटेंगे क्या? चतुर्मास तो महाराज 200 किलोमीटर है, और हमें गुरु जी के पास जाना 7 महीने हो गए, हमने परिक्रमा पूरी कहाँ होगी? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बाबा जी कर लेंगे आप तो ना। बाबा जी परिक्रमा कब से रुक रही है? 4 महीने के लिए? 4 महीने का है, अभी 10 दिन बाद है, 10 दिन बाद रुक जाएगी परिक्रमा, फिर आगे नहीं बढ़ सकते परिक्रमा? नहीं, ऐसा अगर 100-200 किलोमीटर है तो चल सकते हैं जी, और ज़्यादा हम अगर जैसा अमरकंड पे है जी, और 300-400-500 किलोमीटर है तो हमें रुकना पड़ता है, पर हमने इतनी परिक्रमा ख़त्म कर दी है, थोड़ी सी परिक्रमा रह गई है जी, 10 दिनों में हम 100 किलोमीटर और ख़त्म कर देंगे, बचेगा 100 किलोमीटर जी, उसको हम भी ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत जी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी अब सेठानी घाट जाएंगे क्या आप? हाँ, सेठानी घाट बाबा जी, फिर खोजनपुर आएगा, उसके बाद में चलेंगे डोंगरवाड़ा, हसलपुर होते हुए रंडाल, रंडाल होते हुए गुआसन सातधारा है, बहुत अच्छी व्यवस्था रहने की बाबा जी, आप पहुँच ही जाएंगे इतने तो आज, 12 किलोमीटर तो पहुँच ही जाएंगे। ठीक है बाबा जी, नर्मदा यार बहुत अच्छा लगा, आपको कोई मोबाइल नंबर हो दे दीजिए, वीडियो सेंड कर। मोबाइल नंबर नहीं है हमारे गुरु जी, स्थान है चित्रकूट दत्तात्रेय आश्रम है जी, और गुरु जी नाम है जिदी जिदी 108 जी। बाबा जी, बाबा जी अगर जिंदगी में कभी समय मिला तो आपसे फिर भेंट होगी, नहीं तो आपको तो मैं देखते रहूँगा इसी के जरिए, यूट्यूब के जरिए। अच्छा, नर्मदे नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा देखिए, मात गंगे हर नर्मदे हर बाबा नर्मदे हर, है ना। बाबा जी ने इतना अच्छा ज्ञान की जो बातें बताई हमें तो बहुत अच्छी लगी भाई, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये है नर्मदापुरम का मीनाक्षी चौक है, और यहाँ पर बाबा जी मिले हैं, और गौ माता के दर्शन हो गए। बाबा जी नर्मदे हर।